अगर देखा जाए हाइजीन के ताल्लुक से, पाकी सफाई के ताल्लुक से, एक दिन में 5 वक्त फर्ज नमाजें हैं, इसका पढ़ना तो ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, नमाज से पहले उसको वजू करना भी ज़रूरी है। जब एक बंदा एक दिन में 5 मरतबा वजू करता है तो इसके फ़ायदे बहुत से हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उसके हाथ साफ रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि नाक में जो पानी डालता है, नाक में पानी डाल के नाक धोने से नाक के अंदर की जो गंदगी जमा होती है, जिसके अंदर डस्ट, पोलान, एयरबॉर्न स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें नेजल कैविटी के अंदर जाके जमा होके रहती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर दाखिल होने का 2 ही मेन जरिया है। एक नाक के ज़रिए से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, दूसरा मुंह के ज़रिए से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। अल्लाह सुबहाना व ताला ने कुदरती तौर पर कुछ फिल्ट्रेशन, कुछ मिम्ब्रेन्स रखा है जो बाहर से धूल जो आती है उसको फिल्टर कर सके। अगर आप देखा जाए 5 वक्त अगर नाक को अच्छी तरह से धोते हैं तो जो गंदगी जमा होकर रहती है, जो नाक के अंदर की लेयर को गीला करके, वो कंप्लीट तौर पर जो है सफाई होती रहती है, जिससे कई अमराज, चाहे वो नाक के हो चाहे वो लंग्स के हो, उनसे इंसान परहेज कर सकता है। 2 बड़े इन्फेक्शन हैं जिससे बहुत बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये 2 बीमारियां हैं, 2 इन्फेक्शन हैं, 2 बैक्टीरिया हैं जिससे नाक के और लंग्स की बीमारियां पैदा होती हैं। और जो शख्स नाक में पानी डालता है, इसके फायदे से ये है कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है।